आज हम सीखेंगे हाउ टू रीड मेजरिंग टेप। तो यहाँ आप देख पाएंगे जो ऊपर है, एक दो तीन चार, ये जो ऊपर वाले ये इंच है, एक इंच दो इंच तीन इंच चार इंच पांच इंच, ये इंच है। और यहाँ पे आप देखेंगे 12 इंच आपका एक फीट होता है, ये क्या है 01 जो लिखा है ये एक फीट हो गया आपका। और यहाँ पे एक से दो इंच, यहाँ देखेंगे तो एक इंच में आपके 25 mm होते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे जो लिखे हुए हैं आपके एक दो तीन चार पांच, ये आपके सेंटीमीटर है। अगर आपको इसे mm में पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है mm में कितना होगा 50 mm, ये 10 सेंटीमीटर है mm में कितना होगा आपका 100 mm। अगर आप ये पढ़ेंगे सेंटीमीटर में तो यहाँ 14 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन आप इसे कैसे पढ़ेंगे mm में 140 mm, ये आपका 200 mm, ये 20 सेंटीमीटर हो गया आपका। इस तरीके से रीड किया जाता है। और यहाँ आप देख पाएंगे 5 mm से 6 mm के बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये 1-1 mm की हैं। और ये आपका क्या है 100 mm, ये 200 mm, यहाँ 200 यहाँ तक पढ़ना हुआ आपको, यहाँ से यहाँ तो कैसे पढ़ेंगे 230 mm। ऐसे ही अगर आप यहाँ आएंगे देखिए 300 mm। और यहाँ एक बात और आप नोटिस करेंगे तो एक फीट में 305 mm होते हैं, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे 5 mm को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और एक फीट में 300 mm माना जाता है। तो ये हो गया आपका इंच टेप को रीड करने का तरीका। इसमें आप सेंटीमीटर mm मीटर और इंच और फीट को मेजर कर सकते हैं। जैसे फीट तो ये आपका हो गया, mm आपके नीचे है ये 300 mm, ये 200 mm, इंच में लेना आपको तो ऊपर हो गया 9 इंच 10 इंच 11 इंच। इस तरीके से अगर इसके आगे जाए तो आप देख पाएंगे कि एक फीट एक इंच ये लिखा आपका, एक फीट दो इंच ये लिखा आपका यहाँ तक होगा, एक फीट तीन इंच आपका यहाँ तक होगा, तो ये लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 फीट को 610 mm पे रखा गया है। यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका 600 mm और ये 10 mm, तो कितना हो गया 610 mm। तो ये जब आप रीड करेंगे तो शुरुआत में तो कन्फ्यूजन होगा, फिर धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लिखा है 111 मतलब 1 फीट 11 इंच, और ये हो गया आपका 2 फीट। 1 फीट में आपके 12 इंच होते हैं और 1 इंच में आपके 25 mm होते हैं। और ये आपके क्या सेंटीमीटर है, 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर है। और अगर आपको mm में लेना है तो कैसे हो जाएगा, 10 mm होता है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इसके बीच में कितने 10 mm होते हैं आपके। ऐसे आपको अगर सेंटीमीटर में पढ़ना है, यहाँ पढ़ेंगे तो 61 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 तो ही हो गया एक, तो 61, अगर यहाँ तक लेंगे तो 65 सेंटीमीटर, अगर mm में लेंगे तो 650। इसी तरीके से थोड़े आगे डाटा के तब चलते हैं हम। ये हो गया आपका 1000 mm, 1000 mm आपका होता है 1 मीटर। यहाँ पे इस टेप में लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे टेप में यहाँ पे 1 मीटर लिखा रहेगा आपका। और आगे चलते हैं, इसी तरीके से रीडिंग दिखाते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, 1000 यहाँ तक पढ़ेंगे तो 1020 mm, यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो 1060 mm, ये आपका क्या हो गया 1100 mm। सेंटीमीटर में आपका होगा 110 सेंटीमीटर, mm में हो गया 1100 mm। तो इस तरीके से हम मेजरिंग टेप को यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप काम करते हैं तो मैक्सिमम आपका mm और मीटर में मेजरमेंट लिया जाता है, क्योंकि इससे एक्यूरेट वैल्यू मिलती है हमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।